नए भारत की ऊंची उड़ान। वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर बुधवार को फ्रांस से लाए गए 5 रफाल विमान उतरे। रफाल लड़ाकू विमानों को दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। फ्रांस से रवाना होकर 5 विमानों का बेड़ा बुधवार दोपहर बाद 3:10 पर उतरा। रफाल विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी आगवानी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए। राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन व सरकार के बीच जारी गतिरोध बुधवार रात समाप्त हो गया। सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र 14 अगस्त से बुलाने को मंजूरी दी। राजभवन व सरकार में जारी गतिरोध समाप्त 3 फाइल लौटने के बाद राज्यपाल ने 4th संशोधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। अनलॉक 3 में जिम व योग संस्थान खुलेंगे। सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें निश्चित क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी। योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। स्कूल शिक्षा में होगा आमूलचूल बदलाव, बोर्ड परीक्षाएं होंगी सरल। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल बदलाव का खाका तैयार किया गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया। उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50% पहुंचने का लक्ष्य है। धूम्रपान करने वाले लोगों को कोरोना वायरस का अधिक खतरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से श्वसन संबंधी संक्रमण बढ़ सकता है और ऐसे लोग कोरोना की चपेट में आने के लिहाज से अधिक संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि धूम्रपान करने वाले लोगों के COVID-19 की चपेट में आने का खतरा अधिक है, क्योंकि धूम्रपान करने से हाथ से मुंह तक वायरस के जाने की आशंका अधिक रहती है। बाजार में उतारी कोरोना की दवा फेविवेर। हेटेरो समूह का हिस्सा हेटेरो लैब्स ने बुधवार को COVID-19 के इलाज में काम आने वाली फेविपिराविर जेनेरिक दवा पेश की है। इसे फेविवेर ब्रांड नाम के तहत बाजार में उतारा गया है। शहर स्थित इस दवा कंपनी की जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि हेटेरो को भारत के दवा महानियंत्रक से फेविपिराविर के विनिर्माण और विपणन की मंजूरी मिल गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।